जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बारी बारी आपकी 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 चीफ व्हिप से आइए, मेरे गुजारे जी बैठे हैं सर, आप इधर, आप इधर सर, सर आपको बोलने दिया जाएगा, आप बैठे तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आपको मिलेगा मौका, आपका ही मेंबर बोल रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार हूँ कि आज मैं एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस असेंबली में मौजूद हूँ। मैं अपने लीडर इमरान ख़ान का शुक्र गुज़ार हूँ जिसने एतमाद करके मुझे दो टिकटें जारी की और अवाम ने उनके नज़रिए के मुताबिक मुझे इलेक्ट किया। मेरी वज़ीराबाद की अवाम, मेरी आन मेरी जान, जिन्होंने मेरी रूपोशी में रिकॉर्ड याफ्ता वोट दिए, हमारे हलके के रिकॉर्ड टूट गए, इतने वोट दिए और दो सीटों के ऊपर इंतखाब किया खान साहब के नज़रिए की वजह से। और अब आप देखें कि मेरे हलके के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, जिस सीट को मैंने वकेट किया, सूबाई सीट को वकेट किया, पीपी 36 को, मैं 11 महीने की रूपोशी के बाद अपने हलके में वापस गया अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करने, क्योंकि वहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था तो मेरे घर को 4 दिन सील कर दिया गया। मेरे बुजुर्ग वालिद उस घर में मौजूद थे जो इस असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटी उस घर में थी जिस घर को सील कर दिया गया। चले इस नाजायज पंजाब हुकूमत को, जिस तरह ये नून लीग आई है सबको पता है, कोई शर्मिंदगी ना हुई। चले मैं अपने आप को, मेरे खिलाफ जो हुआ, मेरे घर के जो खिलाफ हुआ, उसको तो मैं छोड़ देता हूं। इस इलेक्शन के दौरान मेरी फीमेल पोलिंग एजेंट्स को पंजाब पुलिस ने बालों से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला, लेकिन उसको मैं बख्शूंगा नहीं। जिस तरह मेरे पोलिंग एजेंट्स को मार मार के बाहर निकाला गया, मेरे भाइयों को इस जुल्म को मैं बख्शूंगा नहीं। एक एक कोर्ट के थ्रू इमरान खान का ये सिपाही उनको लेके चलेगा, एक एक चीज का उनको जवाब देना पड़ेगा। 7500 पुलिस वाले को उन्होंने एक जिमनी इलेक्शन के ऊपर लगा दिया, 7500। क्या वहां पर दहशतगर्द रहते थे? वजीराबाद एक पुरअमन इलाका है, मैं आपसे पूछता हूं क्या वहां दहशतगर्द रहते थे? आईजी पंजाब को पूछा जाए। 7500 प्रिविलेज मोशन मैंने पहले मूव कर दिया था यहां पर, उनको डीएसपी जाते थे। यहां पर आप पूछ लें, यहां पर मुबीन साहब बैठे हैं, यहां पर एहसान विर साहब हमारे भाई बैठे हैं, ये वहां पर थे पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हुए, और ऐसी बेशर्मी से डीएसपी वहां पर हमला करते थे। वो वहां पर बोलते रहे कि जनाब धांधली ना करें, उन्होंने कहा कि जी हमने धांधली करनी है, हमें मैडम साहबा का हुक्म है। 50,000 जाली वोट वहां पर कास्ट किया गया, जो सीट 38,000 से खान साहब के नजरिए की वजह से जहां पर मैं जीता था, वहां पर अब मेरे भाई कंटेस्ट कर रहे थे। 2 महीने में कौन से दूध और शहद की नहरें इस नाजायज हुकूमत ने भाई हैं, जिसकी वजह से अवाम इनको 2 वोट भी देते हैं। महंगाई के अलावा इन्होंने अवाम को दिया क्या है? मुश्किलात के अलावा अवाम को दिया क्या है कि अवाम इनको वोट देती? इनका मैंडेट को रिजेक्ट किया अवाम ने उस दिन भी और 21 तारीख को भी। उस दिन तो ये चोर थे, आज तो मैं कहूंगा ये दिन दहाड़े टिकेत हैं। इनका नाम आइंदा से डाकू डालना चाहिए। शुक्रिया। ये जो कुर्सी बेंचेस के ऊपर बैठ जी जी कंक्लूड करें, कंक्लूड करें, माइक खोलें। मैं आपको पूरी तरह बताना चाहता हूं, मेरे लीडर ने यहां पर कहा कि इंसाफ होने के लिए और जमहूरियत के हक को का तहफ़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होने चाहिए। जालसाजी करने वाले चाहते हैं कि यहां पर इस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना आए। आप खुद ही हिसाब लगाएं, 30-30 किलोमीटर दूर पोलिंग स्टेशन को फेंक दिया गया, पोलिंग स्कीमें बदल दी गई। मुझे खुद प्रिजाइडिंग अफसरों ने आके बताया कि हम आपसे माफी चाहते हैं चड्डा साहब, हमसे 600 हमारे नौकरियों को थ्रेट करके 600 बैलेट पेपर्स के ऊपर एक एक प्रिजाइडिंग से एडवांस शेर के निशान पे ठप्पे लगवा के एडवांस रख लिया गया है, एडवांस रख लिया गया है।
शुक्रिया इसका हमें जवाब चाहिए। जमूर को जमूरियत जमूर से होती है, जमूर को इसका आज जवाब चाहिए कि ये डकैतियां क्यों हो रही है, हमारे इमाम पे नुकसान क्यों हो रही है, इसका जवाब चाहिए। अकबरुल्लाह।